Hello everyone, my name is Prashant. Today we will discuss about type of the operating system. Type of operating system, हमने दो type के operating system लिया है, एक single processor operating system और एक multiprocessor operating system. ठीक है, single processor operating system में क्या होता है, जो operating system होता है उसके पास एक processor होता है. Multiple application like application 1, application 2, application 3, application 4 एक operating system से connected होता है और वो operating system एक single processor से connected होता है. Multi processor में क्या होता है, multiple application system, application 1, application 2, application 3 एक operating system से connected होता है और वो operating system multiple processor से connected होता है. ठीक है, ये structure की बात हो गई. अब बात करते हैं कि cost की. कॉस्ट में ये आपका कम होगा, लेस होगा, इसकी कॉस्ट लेस होगी, इसकी कॉस्ट हाई होगी, बिकॉज इसके पास मल्टीपल प्रोसेसर हैं, तो इसका कॉस्ट अपने आप हाई हो जाएगा. थ्रूपुट इसकी लेस होगी और इसका हाई होगा. थ्रूपुट आईओ. ठीक है, सिंगल प्रोसीजर में आपके क्या होते हैं, डिफरेंट कंट्रोलर वो डायरेक्ट परफॉर्म किए जाते हैं, क्योंकि इसके पास सिंगल प्रोसेसर होता है तो ये कई सारे टास्क परफॉर्म करने में डिसेबल होता है. जैसा भी जैसे कि एक टास्क होता है डीएमए क्या होता है, डीएमए होता है आपको जब लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एक्सेस करना होता है उस केस में हम डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस करते हैं, प्रोसेसर के थ्रू नहीं करते हैं. तो लाइक मूवी देखना या समथिंग फाइल ट्रांसफर, तो उस टाइम पे हमारा मेमोरी जो होता है वो डायरेक्ट एक्सेस होता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीएमए. डीएमए टाइप के प्रोसेस लाइक उस टाइप के प्रोसेस सिंगल प्रोसेसर में डायरेक्ट कंट्रोल होते हैं. मल्टी प्रोसेसर में क्योंकि इसके पास डिफरेंट प्रोसेसर होते हैं तो वो प्रोसेसर के थ्रू कंट्रोल हो जाते हैं. ठीक है, आप देखेंगे डिजाइनिंग क्या होता है, मल्टी प्रोसेसर का आपका कॉम्प्लेक्स डिजाइन होता है और इसका इजी डिजाइन होता है. इजी डिजाइन किस लिए होता है, क्योंकि इसके पास एक सिंगल प्रोसेसर होता है तो सिंगल प्रोसेसर का सिंक्रोनाइज करना माइक्रो ऑपरेटिंग सिस्टम से इजी होता है. ऑपरेटिंग सिस्टम से सिंक्रोनाइज करना और एप्लीकेशन परफॉर्म करना वो इजी होता है. इसके पास मल्टीपल प्रोसेसर होते हैं तो उनके आप सिंक्रोनाइज करना प्रोसेस से और फिर ऑपरेशन परफॉर्म करना वो डिफिकल्ट होता है. ठीक है, ये हो गया डिफरेंस. एक बात और कर लेते हैं कि जैसे कि कॉस्ट और थ्रूपुट होता है, कॉस्ट और थ्रूपुट इसका लेस होता है और इसका हाई होता है क्योंकि इसके पास डिफरेंट प्रोसेसर है. अगर लाइक सेम एग्जांपल अगर मैं ले लूँ कि चार प्रोसेसर हैं और चार प्रोसेसर के मैं सिंगल टाइप प्रोसेसर बनाऊँ, लाइक चार सिंगल सिस्टम ले लूँ S1, S2, S3. ठीक है, तो इसका कॉस्ट हाई हो जाएगा, कॉस्ट भी हाई हो जाएगा और थ्रूपुट भी हाई हो जाएगा. उस केस में ये इससे मल्टी प्रोसेसर ज़्यादा परफॉर्म भी करेगा और इसका कॉस्ट भी ज़्यादा हो जाएगा. ठीक है, तो ये था सिंपल सा डिफरेंट मल्टी प्रोसेसर और सिंगल प्रोसेसर और मल्टी प्रोसेसर के बीच में. थैंक यू फॉर वॉचिंग.